भोपाल में होने वाले चुनाव की, इसमें जेबीटी आवाज की टीम पहुंची हुई है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के क्षेत्र क्रमांक 112 के उम्मीदवार रुपेश नागोदे जी। इनसे कुछ चर्चाएं करते हैं कि आज इस विधानसभा क्षेत्र में जो आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है तो उसके पीछे आपका अपना क्या मकसद है रुपेश जी? हमारा मकसद ये है, जो हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोगों के जो आज संविधान का जो संरक्षण है, आज लोगों के जो अधिकारों के लिए हमारी पार्टी ने मतलब हर जगह हमेशा सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से मुद्दे उठाए हैं, और हमने लोगों तक संवैधानिक अधिकारों के तहत हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, हमारी समस्याएं बहुत यहाँ पर बढ़ी हुई है, उन्हें कैसे हम हल करें, इसलिए हमारी पार्टी आज इस देश में लोगों के बीच में काम। विधानसभा क्षेत्र वाराणसी में, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदीप जायसवाल जी, जिन्हें गुड्डा भैया के नाम से जानते हैं, अभी तक निर्दलीय रह करके भाजपा के समर्थन में खनिज विकास निगम के प्रेसिडेंट भी रहे, उनके रहते बहुत काम भी हुआ, लेकिन आज दल बदल के साथ में वो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है, उनके द्वारा ऐसे कौन से काम छूट गए जिसके कारण पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वाराणसी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही? नहीं, हम मतलब उनसे कौन से काम छूटे या किस नेता मतलब किस प्रतिनिधि ने किस नेता ने विधायक ने क्या काम किया, हम ये नहीं कहेंगे। हम हमारी जो पार्टी का मुद्दा है, जो आज हम यहाँ पर हमारे देश मतलब भारत में आज पूरे भारत में पूरे देश में जो काम कर रही है, वो हमारे मुद्दे ये है कि आज बेरोजगारी यहाँ पर चरम सीमा पर है, आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आज बच्चों की पढ़े लिखे लोगों के लिए काम की कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, आज हमारे लोगों पर मतलब आप देखिए कि कई गरीब मजदूरों को बराबर काम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, उनको उस लायक रोजी नहीं मिल पा रही, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर PPID इन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में आएगी। तो क्या सरकार बनाने की मनसा रखते हैं आप लोग? हाँ, सरकार बनाने की मनसा तो रखते हैं, इसीलिए आज इस देश में हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे मतलब PPID जो राजनीतिक दल है राष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि हर क्षेत्र में हर विधानसभा में हमारे प्रत्याशी हैं। विधानसभा क्षेत्र वाराणसी में पिछले दिनों जो विक्की पटेल जी हैं, जिनके बहुत अच्छा काम किया है ऐसा भी जो है वहाँ की जनता उनके बारे में कहते आ रही है, आपको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा भी काम नहीं किया गया है? हाँ, मतलब उनके द्वारा काम किया या नहीं किया वो मतलब अब वो उनका मामला है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो दल का मुद्दा है, हमारी राजनीतिक पार्टी का जो मुद्दा है, आज हम जो लेकर के आए हैं कि संवैधानिक अधिकारों के तहत जो संविधान का संरक्षण हो, संवैधानिक अधिकारों के तहत लोगों में एक जागरूकता है कि हमें संवैधानिक अधिकारों के लिए कैसे हमको आगे आना है, हमारे अधिकार हमको कैसे मिलेंगे, तो हमारी ये जागरूकता भी हम लोगों में लेकर के जाएंगे चुनाव मतलब अभी ये जो चुनावी माहौल में। आपके अपने प्रमुख जो एजेंडे हैं जिसके ऊपर में आप लोग यहाँ पर आए हैं अभी इस विधानसभा चुनाव में जी, तो सरकार आपसे अपेक्षा करती है और जो जन समर्थन करना चाहिए, लेकिन देखना ये पड़ा है कि द्विदलीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश के अंदर में, पिछला अगर इतिहास उठा करके हम लोग देखें तो ऐसे में पीपुल्स जो आपकी पार्टी है डेमोक्रेटिक, तो वो पार्टी इस विधानसभा चुनाव में किसको प्रभावित कर सकती है? प्रभावित तो ऐसा है कि दोनों दलों को करेगी हमारी पार्टी, दोनों दलों को प्रभावित इसीलिए करेगी क्योंकि हम जो एजेंडा लेकर के इस मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी जो लड़ रही है, तो हमारा एजेंडा यह है कि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जाति आधारित जनगणना यहाँ पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, मतलब हर विभाग में काम पुरानी पेंशन योजना है, और जो मजदूरों की सही मतलब उनको रोजी जो उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे किसानों का मुद्दा है। जनता से किस बात की अपील करेंगे आप? जनता से मैं यही अपील करूँगा कि आप अपना जो मत है, अपना मत का इस्तेमाल जो करें,
वो सोच समझ करके करेगी हमको कौन सी पार्टी कौन सा प्रत्याशी हमें उन मुद्दों तक और उन समस्याओं से निकालेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को सारे लोग समझ कर हमें अपना मत दे और हमें सहयोग करे और अच्छे मतों से जिताए, ऐसा मेरा। चलिए, तो आप थे रुपेश नागोते जी, 112 विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 12 सिवनी के PPID के प्रत्याशी होंगे और जनता के लिए जो प्रमुख बिंदु लेकर के आए हैं उसके हमारी ऊपर में बात हुई। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप विजयी होकर के जनता से आशीर्वाद प्राप्त करके प्रदेश में एक नेतृत्व दें आप। धन्यवाद।